भूमि पर वो बारिश हुई, तो जैसे भूमि में बरसात पानी बरसता है तो बीजों में से अंकुर फूटता है, तो गणधर देव के शुद्ध ज्ञान में से द्वादशांग निकला। लेकिन बीज किसने डाला? वो दिव्य ध्वनि का बीज पड़ा तो द्वादशांग का फल हुआ। गुरुदेव ने श्रुति का अर्थ कान भी किया था, उनके कान में पड़े। सकल तत्व प्रकाश करे, यानी दिव्य ध्वनि क्या करती है? संपूर्ण पदार्थों के स्वरूप का प्रकाशन करती है, बताती है। तो जग ताप निवारे, जग की जड़ता तप दूर करी है, तो किसे भांति पदार्थ पांति कहाँ रहते रहते अविचारी, है ना। अब मुझे तो ये बताना है, हे अहे विधान लोक नीके मन धारे, जगत के जीवों को हे और उपादेय का स्वरूप मालूम पड़ता है, अच्छी तरह से समझ लेते। इसमें देखो चार अनियोग छुपे हुए हैं। विधि, विधि माने कर्म, तो कर्णानियोग आ गया, पुण्य पाप में चरणानियोग आ गया, और लोक की इसमें भी समझ लो कर्णानियोग का लोक वाला पक्ष आ गया, मुनि श्रावक आचरण ये चरणानियोग आ गया, और करी स्वपर भेद निर्णय सकल इसमें द्रव्यानियोग। जैसे दौलतराम जी की छह डाला को गागर में सागर कहा जाता है, वैसे ये भी गागर में सागर जैसा इसमें भरा, इसलिए मुझे ये बहुत पसंद आई। पहले भी हमने पढ़ी होगी लेकिन इतना याद नहीं रहता। तो बहुत सुंदर ये स्तवन है। अभी अपन अपना विषय आगे बढ़ाते हैं, आप लोगों को कितना समझ में आता है। लेकिन बहुत से लोग इसको जब मैं YouTube पे डालता हूँ तो पहला वाला तो कम से कम 40-50 लोगों ने सुना था, प्रतीक्षारत हैं लोग इसके लिए। अरहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है, इनको स्वरूप जान लाए ते भाई जो भक्ति काय को न पाए स्तुति को चारी है। धन धन तुम इसे काज सब राज भरे कर जोरे बार बार वंदना हमारी है, मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है, ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है, ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ये रसपूर्ण चिट्ठी की अपन चर्चा कर रहे हैं, इस पर पहले हमारे 8 प्रवचन हुए हैं जो कुछ दिनों में YouTube पर आएंगे, और ये भी आ रहे हैं। सबसे पहले टोडरमल जी ने सम्यक दर्शन का स्वरूप बताया, फिर सम्यक दर्शन के साथ में जो ज्ञान पहले कुमति और कुसृत था, कुमने खोटा, खोटे मार्ग में ले जाने वाला, तो फिर ज्ञान भी सम्यक हो गया और वो सुमति ज्ञान सुसृत ज्ञान हो गया। यहाँ तक कि वही ज्ञान केवल ज्ञान की जाति का हो गया, सम्यक ज्ञान हो गया, और उसी का विकास होते होते केवल ज्ञान रूप परिणमन हो जाता है, ये बात आई। फिर सम्यक दृष्टि सुवासुभ भाव रूप में परिणमते हैं तो भी उनके अंदर में भेद ज्ञान की धारा निरंतर चलती रहती, और वो पुनः पुनः बारंबार आत्मा के अनुभव के लिए प्रयत्न करते हैं तो उसमें किस तरह के विकल्प आते। बहुत से लोग ऐसा पूछते हैं कि भाई अनुभव के पहले कौन से विकल्प आते, आपको कौन से आए थे, वैसे ही हम भी करें विकल्प तो उससे हमें भी हो जाएगा। ये इसमें कोई दूसरों की नकल नहीं होती। जब तेज भूख लगती है तो कौन से विकल्प आते हैं, है? प्यास लगती है तो कौन से विकल्प आते हैं, तो किसी की इसमें कॉपी नहीं होती। कई लोग तो ये पूछते हैं कौन सी गाथा अनुभव में निमित्त बन सकती है, हैं ऐसी कई जो आत्मा के स्वरूप को बताने वाली हैं, इन किसी एक गाथा को आप पकड़ के सम्यक दर्शन करना चाहें उसका भाव पकड़ना चाहिए,
तो सविकल्पता के बाद निर्विकल्पता आने के पहले कैसी भूमिका होती है उसकी चर्चा इसमें आई। अब आप 343 पेज पर सबसे नीचे का पैराग्राफ देखिए। अब मूल जो उन्होंने पूछा होगा कि मति ज्ञान सत ज्ञान जो है स्वानुभव में प्रत्यक्ष माने या परोक्ष माने, इस प्रत्यक्ष और परोक्ष की चर्चा आज भी चलती है। इसी का छल ग्रहण करके बड़े बड़े मनीषी लोग भी ये कहते हैं कि सदमस्त को आत्मा का प्रत्यक्ष अनुभव होता ही नहीं, प्रत्यक्ष अनुभव तो केवली को होता है। ऐसा प्रवचन सुना है मैंने, चर्चा वगैरह जो आती है टीवी पे, और शुरुआत में तो परोक्ष ही होता है। तो परोक्ष का मतलब है कि जैसे आपने ताजमहल का या मंगलायतन का फोटो किसी ने देखा तो समझ लिया मंगलायतन ऐसा बना है, तो परोक्ष हो गया। अब यहाँ आया तो प्रत्यक्ष हो गया। तो इसमें सिद्धांत में क्या है और अध्यात्म में क्या है, दो धाराएं हैं, सैद्धांतिक और आध्यात्मिक। देखिए, इसी कारण निर्विकल्प अनुभव को अतीन्द्रिय कहते हैं। किस कारण, कौन सा कारण हो गया? पहले मति सुत ज्ञान, मति ज्ञान मन के निमित्त से विचार वाली दशा थी, मैं ज्ञायक हूं, शुद्ध हूं, चैतन्य हूं। फिर मन का भी अवलंबन छूट गया, और जिसकी चर्चा आज गुरुदेव बहुत चारित्र के प्रसंग में कर रहे थे, अतीन्द्रिय आनंद, निर्विकल्प आनंद, तो वो मन का अवलंबन छूटने से उसे अतीन्द्रिय ज्ञान कहते। इंद्रिय ज्ञान किसे कहते? जो इंद्रियों की सहायता से जाने वो इंद्रिय ज्ञान, और जो बिना इंद्रियों की सहायता के प्रवर्तन करे वो अतीन्द्रिय ज्ञान। क्योंकि इंद्रियों का धर्म तो ये है, देखो धर्म शब्द का प्रयोग है, इंद्रिय में भी धर्म होता है, धर्म माने स्वभाव। इंद्रियों का धर्म तो ये है कि स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द को जाने, वो यहाँ नहीं है। यहाँ नहीं है माने कहाँ नहीं है? जब उपयोग आत्मा में एकाग्र हो रहा है और चैतन्य मात्र का वेदन हो रहा है तो आत्मा में स्पर्श रस गंध वर्ण तो है ही नहीं। आप लोगों को कुछ ख्याल है, बालभूत पाठमाला में इंद्री वाला पाठ है, उसके अंत में एक बात आती है कि इंद्रियां किसको जानने में निमित्त है, तो इनका स्पर्श रस गंध वर्ण को जानने में, तो ये किसके गुण है? तो ये पुद्गल के गुण है। बहुत से लोग कहते हैं आत्मा है तो दिखता क्यों नहीं? अरे उसमें वर्ण होवे तो दिखे, स्वाद होवे तो चखने में आवे। क्योंकि जो चैतन्यमयी अरूपी पदार्थ है उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है, इसलिए अनुभूति में भी नहीं। और मन का धर्म ये है कि अनेक विकल्प करे। मन का धर्म माने मन का स्वभाव, मन के निमित्त से अनेक प्रकार के विचार तरंगें होती हैं, और क्योंकि उसमें मन निमित्त है इसलिए वे सब रागात्मक होती है, उसको भी राग बोलते हैं। तो वो विकल्प भी यहाँ नहीं है। यहाँ नहीं है माने कहा? अनुभव में, आत्मा में भी नहीं है और आत्मा के अनुभव में भी नहीं। इसलिए यद्यपि जो ज्ञान इंद्री मन में प्रवर्तता था वो ही ज्ञान अनुभव में प्रवर्तता है। मैंने ज्ञान तो मति ज्ञान सुत ज्ञान वो ही है, मति ज्ञान ही है, लेकिन इंद्रियों का आलम्बन लेता था तो आत्मा का अनुभव नहीं होता था। जिस गे के सन्मुख जानता था उस गे को जानने में रहता था, और अवलंबन छोड़ के एक चैतन्य में चैतन्य भाषित होने लगा तो वहां फिर अनुभूति प्रकट हो गई। तथापि इस ज्ञान को अतीन्द्रिय कहते। तथापि क्यों लगाए? यद्यपि वह मति श्रुत है, और प्रायः मति श्रुत ज्ञान इंद्रिय और मन के द्वारा पदार्थों को जानते हैं, लेकिन आत्मा को जानने में इंद्रिय
ओर मन का आलंबन नहीं है तो वे मतिश्रुत पना उनका मिट नहीं जाता, तो भी वे अतिंद्रिय कहलाते। सूत्र जो पकड़ते हैं ना, क्या है, मति श्रुतावधि मन परे एवलानी ज्ञानम तत् प्रमाणे आद्य परोक्षम। तो आद्य परोक्षम में मति श्रुत ज्ञान परोक्ष होने पर भी अतिंद्रिय ज्ञान। अभी परोक्ष पना और प्रत्यक्ष पना दोनों सिद्ध कर रहे। बहुत सुंदर चर्चा है, बहुत बढ़िया ये अनुभूति के बारे में। और स्वानुभव को मन द्वारा हुआ भी कहते हैं, क्योंकि इस अनुभव में मति ज्ञान सत ज्ञान ही है, अन्य कोई ज्ञान नहीं। अवधि ज्ञान और मन प्रज्ञान भी अतिंद्रिय है, लेकिन उनका विषय रूपी पदार्थ है। रूपिषु अवधेह पढ़ा सूत्र, तदनंत भागे मन पर्यस्य फिर सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य। तो अवधि और मन पर ज्ञान का विषय रूपी है, तो मति सुत ज्ञान ही प्रवर्तता है। तो मन द्वारा भी कहते हैं कि पहले मन का अवलंबन था, तो निमित्त की अपेक्षा मन से आत्मानुभव हुआ, ऐसा भी बोलते हैं। जैसे कोई आदमी यहां मंगलायतन आवे कार से, आगरा से, तो कार कहां तक ले आएगी उसको? गेट तक लाएगी। इस दरवाजे से आवे तो अंदर तक आ जाएगी। कमरे में तो जाना होगा तो कार को छोड़ के ही जाना पड़ेगा ना। तो मन ऐसा एक बाह्य अवलंबन है कि जब अनुभूति में स्वाद आता है तो उस समय मन का अवलंबन नहीं रहता, लेकिन उसके पहले रहता है। मति सुत ज्ञान इंद्रिय मन के अवलंबन बिना नहीं होते, लेकिन यहाँ इंद्रिय का तो अभाव ही है। कहाँ? वो आत्मा में, अनुभूति में, क्योंकि इंद्रिय का विषय मूर्तिक पदार्थ ही है। दो चीजें अलग अलग बता रहा है, इंद्रिय और मन। तो पांचों इंद्रियों का विषय क्या है? मूर्तिक पदार्थ, उद्गल। और यहां मन ज्ञान है क्योंकि मन का विषय अमूर्तिक पदार्थ है। मन जो है वो रूपी के बारे में भी विचार करता है और अरूपी पदार्थों के बारे में भी मन विचार करता है। अपन धर्मास्तिकाय का, अधर्मास्तिकाय का, इनका भी तो विचार करते ही है ना। अरे सीधी बात, ज्ञान में ज्ञान का विचार तो होता ही है। इसलिए यहां मन संबंधी परिणाम स्वरूप में एकाग्र होकर अन्य चिंता का निरोध करते हैं। यानी पंडित जी अनुभूति में जो परिणाम एकाग्र हैं, उसके भी मन का अवलंबन पहले था, और ये समझ लो भाव मन का स्वरूप है ये, उसे भाव मानसिक ज्ञान भी के भाव मन भी कह सकते हैं। पंडित जी का इधर वजन ज्यादा दिखता है मन पे, इसलिए इसको मन द्वारा कहते हैं। एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम लिखा है, ऐसा ध्यान का भी लक्षण है, ऐसा अनुभव दशा में संभव है। अनुभूति, जब अनुभूति माने चैतन्य का स्वाद। कल को बहुत बताया था, ज्यादा विस्तार करने का समय नहीं है। खीर खाने के पहले के विकल्प, और खीर जब मुख में रखी है और उसका स्वाद ले रहे हैं तब कोई विकल्प नहीं होता। समय सार नाटक के कवित्व में कहा है, वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे। कितनी सुंदर परिभाषा है अनुभव की है। पहले वस्तु का विचार, वो मन के निमित्त से होएगा, फिर विचार के बाद उसका एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, उस समय मन विश्राम करेगा, मन पावे विश्राम। जैसे इंद्रिय संबंधी व्यापार बंद हो जाता है, उसी तरह मन के निमित्त से होने वाले विकल्प भी रुक जाते हैं। कैसे विकल्प होते हैं? ये मैं देह से भिन्न हूँ, मैं राग से भिन्न हूँ, मैं चैतन्य मूर्ति हूँ। पंडित साहब कैलाश चंद जी तो उस वाक्य को बहुत याद करते थे, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी और अनादि निधन वस्तु आप है।
ये पंक्ति उन्हें बहुत प्रिय थी और वो उसको बहुत रिपीट करते थे। तो ये रस स्वागत सुख उपजे, देखो एक बात है, रस शब्द का प्रयोग यद्यपि आगम की भाषा में बोला जाए तो पुद्गल का एक गुण है और उसके पांच भेद हैं। कौन कौन से? खट्टा, मीठा, चटपटा, कसायला, अब आज तो हजारों रस हो गए। अब तो ये दूसरा, साहित्य में भी रस का प्रयोग होता है, वीर रस, करुण रस, है बीभत्स रस, श्रृंगार रस, आस रस, तो उसको रस क्यों बोलते हैं? वो रस अनुभूति वाला, अनुभूति में जो वेदन होता है उसे भी रस कहते हैं। वो भले खट्टा मीठा ना हो, समझ में आया? तो वीर रस अनुभूति, वो भी रसानुभूति है। आप लोगों ने सुना है काव्य किसे कहते हैं? काव्य की परिभाषा शायद कालिदास की है, रसात्मकम वाक्यम काव्यम, ये किसकी है? अब कोई हो, अच्छे आदमी होंगे कोई। रसात्मकम वाक्यम काव्यम, जिसमें रस की अनुभूति होवे, सुनने में कुछ न कुछ संबंधो एक वेदन होवे, चले हास्य का होवे, करुण का होवे, कुछ भी होवे। अपन लोग काव्य समझते थे हम तो पहले, कि जो कविताएं होती हैं उसको ही काव्य कहते हैं। फिर एक किसी हिंदी के पेपर में हमने पढ़ा प्रेमचंद की काव्यगत विशेषताएं बताई, तो मैंने कैसे भी बेवकूफ आदमी है, प्रेमचंद जी ने काव्य लिखा है क्या? उनने तो गद्य लिखा है। लेकिन जब बाद में हम जयपुर आए और तब मालूम पड़ा कि रसात्मकम वाक्यम काव्यम, चाहे वो गद्य हो गए चाहे पद्य हो गए। आप मुंशी प्रेमचंद की कहानियां पढ़ेंगे अगर, तो उसमें जो रसानुभूति होती है, है? उसका अलग ही स्वाद है। इस प्रकार मन बिना कोई अलग ही परिणाम, पहले टोडरमल जी ने मन द्वारा कहा था, ध्यान देना जरा, पहले क्या कहा था? मन द्वारा प्रवर्तते हैं, और अब क्या बोलते हैं? मन बिना कोई अलग ही परिणाम, सीधे ज्ञान ज्ञान में से कनेक्ट हो गया। अब मन का क्या काम बीच में है? स्वरूप में परिवर्तित नहीं होते, इसलिए स्वानुभव को मन जनित भी कहते हैं। अतः अतिंद्रिय कहने में और मन जनित कहने में कोई विरोध नहीं है। यद्यपि बनारसी दास जी ने मन पावे विश्राम लिखा, लेकिन टोडरमल जी ने तो कोई वो मन से अलग नहीं है ऐसा, इसका अर्थ ये लेना कि वो भाव मन स्वरूप परिणमन होता है। अनुभूति को भाव मन वाला भी कहते हैं, और इंद्रिय का और मन का विकल्पात्मक व्यापार नहीं है, इसलिए अतिंद्रिय भी कहते हैं। टोडरमल जी ने दोनों विवक्षाएं स्वीकार की है, इसलिए मति सुधियान तो ऊपर लिए ही हुआ है, तो लोगों को इसमें कोई वाद विवाद की गुंजाइश है ही नहीं कि ये अनुभूति में मति ज्ञान होता है कि सत ज्ञान होता है। देखो मति अपने यहाँ एक भवानी मंडी स्टेशन है, उसकी क्या विशेषता है कि आधे प्लेटफार्म पे एक बोर्ड लगा है, आधे प्लेटफार्म पे इस तरफ से लिखा है कि मध्य प्रदेश की सीमा समाप्त, राजस्थान की सीमा प्रारंभ, उस तरफ से लिखा है राजस्थान समाप्त। स्टेशन एक ही है, आधी गाड़ी राजस्थान में खड़ी होती है, आदि मध्य प्रदेश में खड़ी होती है। ये उदाहरण क्यों दिया? ऐसे ही मतिसुत का हाल है। अब आपने गुलाब जामुन खाया तो उसका जो मीठा स्वाद आपके ज्ञान में जाना, वो मति ज्ञान का काम, क्योंकि स्वाद को जानने में रसना इंद्रिय निमित्त होती है। लेकिन मजा आ गया, वो मजा का वेदन जो हुआ वो श्रुत ज्ञान का काम, आनंद का वेदन, दुख का वेदन, ये जब सुख दुख की अनुभूति होती ना, ये श्रुत ज्ञानात्मक है। मति ज्ञान की सीमा तो वहीं तक है, कहां तक? जहां तक स्पर्श रस गंध वर्ण आवाज का ज्ञान हो रहा है। थोड़ी बारीक बात है, कोशिश करना, आप प्रवचन सुन रहे हैं, कोई कवि सम्मेलन में कविता सुन रहे हैं, तो जो शब्द सुन रहे हैं वो मति ज्ञान का काम, और सुन के जो समझ रहे हैं और आनंद ले रहे हैं, कहीं कहीं तो समझना भी मति ज्ञान में लिया जाता है,
लेकिन वो परिभाषा उधर भी घटित होती है। खैर देखो, मन जनित कहने में विरोध नहीं है, विवक्षा भेद है। मन जनित का अपने को तो एक प्रश्न हुआ ही नहीं, इसलिए अपने को तो कोई समस्या ही नहीं है, है? लेकिन जब टोडरमल जी से पूछा गया और उन्होंने इस लायक समझा कि इसका जवाब लिखना चाहिए, तो वो विषय उनकी दृष्टि में कितना गंभीर होगा। और आज पूज्य गुरुदेव के प्रताप से अपन लोग भी अनुभव कैसे होता है, उसकी विधि क्या है, इत्यादि सब अपन लोग भी चर्चा करते हैं, तो वहाँ मतिश्रुत ज्ञान का रोल किस प्रकार है। अनुभूति में अकेली श्रद्धा का प्रणमन होता है कि ज्ञान का भी होता है? अरे ज्ञान का प्रणमन तो ये तो एकाग्र वाली बात है, अन्यथा निज को निज जानना और पर को पर जानना वो ही ज्ञान में अतिंद्रिय अंश की धारा निरंतर चलती है। इंद्रियों का व्यापार उपयोग में चल रहा है और लब्धि में कहें कि जो भी कहें उसको, अब जैसे मतलब आपका घर आपके नगर में जिस गली में जहां है तो वहां मेरा घर वहां है, ऐसा ज्ञान अभी भी चल रहा है कि खत्म हो गया, कि नया पैदा करना पड़ेगा? सोचो आप प्रवचन सुन रहे हैं, क्लास सुन रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो हमारा घर कहाँ है? उसमें अपनापन वो श्रद्धा का काम है, और ज्ञान में जानकारी इंफॉर्मेशन सूचना वो भी आपके ज्ञान में मौजूद है, ये खत्म थोड़ी हो जाती है। तो श्रद्धा और ज्ञान दोनों का प्रणमन निरंतर चलता है ज्ञानी का। उपयोग भले जब स्वरूप में जाता है तो आनंद विशेष आता है, वो अलग बात है। और देखो वहां आपने लिखा, अब पता चला कि उनने क्या लिखा होगा, थोड़ा बहुत इशारा इससे मिलता है। आत्मा अतिंद्रिय है, इसलिए अतिंद्रिय द्वारा ही ग्रहण किया जा सकता है। सामने वाले का एक पक्ष होगा। देखो बहुत मार्मिक बात कहता हूं, ये जो पर्सनल पत्रोत्तर जो है ना, प्रश्नोत्तर पत्र जो पत्र व्यवहार होता है, वो जिसको पत्र लिखा जा रहा है, जैसे मान लो हमारी लोहड़िया जी की चर्चा हुई, उनका कोई ऐसा मत है जिसको हम बहुत ज्यादा महत्व नहीं देते, तो जब हम उनसे बोलेंगे या लिखेंगे तो उसके विरुद्ध तर्क रखेंगे, दूसरी अपेक्षा को मुख करेंगे। श्रीमद जी के साथ में यही चक्कर हुआ, उनके सैकड़ों पत्र लोगों ने एक ही बुक में छाप दिए, और बहुत से तो जब वो बिल्कुल शुरुआत वाले हैं तो जो उस समय उनकी मान्यता ही सबको लोग एक सही समझते और एक सही प्रमाणिकता प्रदान करते, ये दिक्कत है। बात समझ में आई क्या बोला मैंने? है वो सामने वाले का आशय समझ गए कि वो कहता है इंद्रिय और मन का काम नहीं है, हम करें कैसे आत्मा का अनुभव? क्यों? हमारे पास तो मति सब ज्ञान है, और मति सब ज्ञान में तो पर पदार्थ जाने जाते हैं और विकल्प होते हैं, तो हम आत्मा का अनुभव कैसे कर सकते हैं? ये उसके जवाब में है। वहां आपने लिखा आत्मा अतिंद्रिय है, इसलिए अतिंद्रिय द्वारा ही ग्रहण किया जा सकता है, तो वो ज्ञान अतिंद्रिय में कन्वर्ट हो गया ना, जब उसने इंद्रियों का व्यापार छोड़ दिया और चैतन्य में ही समा गया तो ज्ञान का इंद्रियपना मिट गया। और समय एक बात, ज्ञान को इंद्रिय ज्ञान कहना असद्भूत व्यवहार नहीं का कथन है, और अतिंद्रिय ज्ञान कहना सद्भूत व्यवहार नहीं का कथन है। अब आप लोग कह रहे थे हमने पढ़े हैं भेद है, अब मैं यहां इसमें उलझाऊंगा नहीं, इंद्रियां तो जड़ है और ज्ञान चेतन है, तो चेतन ज्ञान को इंद्रिय ज्ञान नाम देना ये कहां तक उचित है? वो तो उसने इंद्रियों का सहारा लिया, इसलिए वह ज्ञान इंद्रियों से भिन्न होने पर भी इंद्रिय ज्ञान नाम पाता है। अच्छा, इंद्रिय ज्ञान चेतन है कि अचेतन? आंख के द्वारा हमने ये घड़ी को जाना, तो जो ज्ञान ने आंख का आलंबन लिया और घड़ी को विषय बनाया, तो वो ज्ञान जड़ है कि चेतन? जड़ को जानने वाला ज्ञान जड़ है कि चेतन? घबराना नहीं। अध्यात्म की विवक्षा में एक ऐसी भी है कि जो ज्ञान
समझ लो इंद्रिय ज्ञान पर को जानता है वो ज्ञान ही नहीं है। वो पूजा में आता है ना, सुभाषुक की जड़ता तो दूर लेकिन वो अपेक्षा से है, वो कथन को सैद्धांतिक नहीं है, वो आध्यात्मिक व्याख्या है। जड़ को जानने वाला ज्ञान जड़ हो जाए तो दो द्रव्य एक हो गए ना, फिर ज्ञान और ये एक हो गए, ये तो महासिद्धांत खंडित हो गया। परंतु भाई जी मन अमूर्तिक का भी ग्रहण करता है, ये श्रुतम अनिन्द्रियस्य है ना, उसमें नीचे ही है, क्योंकि मति श्रुत ज्ञान का विषय सर्व द्रव्य और असर्व पर्याय कहे। तत्वा सूत्र में कहा है मति श्रुति और निबंधो द्रव्ये स्वसर्व पर्यायेषु, ये संधि करके लिखा है इसलिए ऊ और आ का वा हो गया, द्रव्येषु असर्व पर्यायेषु, तो क्या हो गया द्रव्ये स्वसर्व पर्यायेषु। इसका अर्थ यह है कि मति और श्रुत ज्ञान का विषय सभी द्रव्य और उनकी कुछ पर्याय। असर्व माने, असर्व माने क्या होता है, सर्व माने सब और असर्व माने सब नहीं कुछ। वहां आपने प्रत्यक्ष परोक्ष का प्रश्न लिखा, अभी किस बात की चर्चा चली कि अनुभूति में जो ज्ञान है वो मन जनित है कि मन रहित है, तो टोडरमल जी ने मन जनित भी बताया और मन रहित भी बताया, दोनों अपेक्षाओं से कथन किया। अब प्रत्यक्ष है कि परोक्ष है, परंतु भाई जी प्रत्यक्ष परोक्ष तो सम्यक्त्व के भेद है नहीं, थोड़ा समझने की बात है इसको। कल से मैं सोच रहा हूं उदाहरण में कैसे लागे, जैसे हम अपने घर को अपना घर है ऐसा मानते, श्रद्धान में एकत्व बुद्धि, माता पिता ये मेरे माता पिता हैं, एकत्व बुद्धि। अब उसमें वो एकत्व बुद्धि की जो प्रतीति चलती है उसमें काय का प्रत्यक्ष और काय का परोक्ष, श्रद्धा में प्रत्यक्ष और परोक्ष का भेद नहीं होता क्योंकि वो सीधी स्वरूप की प्रतीति मात्र है। अपने जो दोपहर में आज विषय चलने वाला है कौन सा, अभिप्राय वाला है, वो इस उसमें ये बात आएगी, मैं ये मानता हूं कि अग्नि गर्म होती है, ऐसी हमारी प्रतीति निरंतर बनी रहती है, तो उसमें हमें किसी का आलंबन थोड़ी लिया, ना आलंबन लिया ना आलंबन छोड़ा, अपने घर को अपना मानने में कोई प्रत्यक्ष और परोक्ष का विषय नहीं आता। ऐसे रुचि को भी श्रद्धा कहते हैं ना, श्रद्धा को रुचि, किसी को क्रिकेट में रुचि है, किसी को गाने में रुचि है, किसी को कोई वाद्य यंत्र बजाने में रुचि, रुचि माने अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, तो इसमें प्रत्यक्ष परोक्ष बना होता, अच्छा लगने में काय लगती है, जो लगती है बात है, सोचना इस ढंग से। तो सम्यक दर्शन में उपशम छह छह उपशम ऐसे भेद तो हुए कर्म की अपेक्षा, लेकिन वो प्रत्यक्ष और परोक्ष वाले भेद नहीं, न सम्यक में होते न चारित्र में होते, वो तो ज्ञान में ही होते। चौथे गुण स्थान में सिद्ध समान छायिक सम्यक्त हो जाता है, बहुत बड़ी बात है। एक समझ लो, मैं मान लो श्रेणी के राजा छायिक सम्यक्त लेके नरक में गए हैं, ठीक है, और बाकी के नरकों में भी लोग छायिक सम्यक्त यहां से संस्कार लेके जा रहे हो तो केवल उसके पादमूल में होता है, लेकिन फिर मर के कोई भोग भूमि में त्रेंच हो जा रहे, नारकी हो जा रहे, तो पहले नरक वाला। तो जैसा सिद्ध भगवान का सम्यक दर्शन है निर्मल, वैसे ही उस नारकी का, वैसे ही त्रेंच का है बात, क्यों, क्योंकि दर्शन भोग का समूल नाश हो गया, क्षय हो गया, अब अनंत काल भी दोबारा कभी दर्शन भोग उत्पन्न नहीं होगा, इसलिए सिद्ध भगवान का सम्यक और छद्मस्त को अगर छायिक है तो, और उपशम को भी छायिक बद निर्मल कहा जाता है, तो उपशम सम्यक भी सिद्ध समान है। सुनना ध्यान से, फर्क कितना है कि उपशम का काल अल्प है और छायिक सादी अनंत काल तक रहता है,
ये अल्पकाल होने से फर्क क्या पड़ा, अल्प ही काल हुआ ना, लेकिन जो उसकी भाव देखो आप उपसम भाव, तो उसको भी दब गया मिथ्या, इसलिए वो भी निर्मल हो गया। कितनी गंभीर बात है। इसलिए सम्यक्त तो केवल यथार्थ श्रद्धान रूप ही है। दोपहर में उदाहरण दूंगा आपको, जैसे एक आदमी डॉक्टर है तो मैं डॉक्टर हूं ऐसा मानता है, अभी मान्यता उसकी चलती रहती है, अखंड बने चलती, इसको डिटेल अपन दोपहर में करेंगे। वो अस्पताल में हो, घर में हो, मंदिर में हो, क्लब में हो, कहीं हो, लेकिन मैं डॉक्टर हूं ऐसी जो उसकी धारा उसके अंदर श्रद्धा में चल रही है वो बंद नहीं होती है, ये इसको कहते हैं यथार्थ श्रद्धान। वह सम्यक्त्वी शुभाशुभ कार्य भी करता रहता है, ये जो अभी मैं कह रहा हूं शुभाशुभ कार्य भी करता रहता है। अरे सीधी सिंपल बात है, लोग बाहर घूमने के लिए परदेश जाते हैं, दो दो महीना घूम के आते हैं, पांच दिन यहाँ रहे, चार दिन वहां रहे, यहाँ रहे, होटलों में हजारों रुपया क्या उनका किराया दे करके ठहरते हैं, पूरी सुविधा भोगते हैं, उसको अपना मानते। जहाँ जैसे हम यहाँ मंगलायतन में रुके तो यहाँ की सुविधा भोजन खाना पीना घूमना फिरना रहना सोना उठना, तो उपयोग का व्यापार तो यही है। लेकिन मैं देवलाली में रहता हूँ और मेरा घर उधर है, तो उसको अपना मानते कि इसको अपना मानते, यानी हम दुनिया में कहीं रहें लेकिन अपनापन तो जिसे अपना मानते हैं उसमें ही रहता है। ऐसे ज्ञानी का उपयोग कहीं रहे लेकिन अपनापन तो उसका ज्ञान स्वभाव में ही रहता है, ये श्रद्धा का स्वरूप है। इसलिए आपने जो लिखा था इससे पता चलता है उन्होंने क्या लिखा था, है निश्चय सम्यक्त प्रत्यक्ष है और व्यवहार सम्यक्त परोक्ष है, यानी देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा सात तत्व का विकल्पात्मक श्रद्धा ये परोक्ष है और परद्रव्य भिन्न आप में रुचि और प्रत्यक्ष है। ऐसा नहीं, देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा शुभरागात्मक प्रक्रिया है, उसमें श्रद्धा का मिश्रण है लेकिन राग मुख्य है। उपचार से सम्यक्त कहो उसको, परोक्ष मत कहो, उस पर सम्यक्त का आरोप किया जाता है, समझ में आया ना। और जो अनुभूति है वो अनुभूति स्वरूप है। देखो वहां उपसम सम्यक्त के तो तीन भेद हैं, या अभी जो मैंने बताया वो इसमें आ गया, सम्यक्त के तो तीन भेद हैं। वास्तव में देखा जाए सम्यक्त जो प्रतीति भाव है उसके तो कोई भेद होते ही नहीं, ये तो चलमल गाढ़ दोष है, तो एक चयोपसम सम्यक्त नाम दे दिया, अल्पकालीन है तो उपसम नाम दे दिया, परमानेंट हो गया तो छायक नाम दे दिया। और सम्यक्त की जो जाति है या उसका जो स्वभाव है उसका जो स्वरूप है वो उपसम में है, वो चयोपसम में है, वो छायक में है। वहां उपसम सम्यक तो छायक सम्यक तो निर्मल है। देखो दोनों को लिया पंडित जी ने, उपसम और छायक दोनों को लिया, क्योंकि वे मिथ्यात्व के उदय से रहित हैं। वाह, अब भले थोड़ी देर बाद उदय आ जाएगा वो तब की बात है, लेकिन जब उपसम सम्यक का काल है तब तो वो उदय से रहित ही है ना, या तो उदय होगा या उपसम होगा। और क्षयोपशम सम्यक्त्व समल है, क्योंकि वह सम्यक्त मोहिनी के उदय से सहित है। क्या नाम दिया, सम्यक्त मोहिनी, संक्षेप में इसको क्या बोलते हैं, सम्यक प्रकृति। किसकी है सम्यक प्रकृति, है दर्शन मोह की, यानी मिथ्यात् कर्म के तीन टुकड़े हो जाते हैं तो एक टुकड़े का नाम सम्यक। बड़ा आश्चर्य है, ये तो ऐसे हुए जैसे रावण के घर में बेटा पैदा हुआ और उसने उसका नाम राम रख दिया है। मिथ्यात् सम्यक्त तो विरुद्ध है ना बिल्कुल, लेकिन मिथ्यात् की प्रकृति को भी सम्यक प्रकृति नाम दिया। कितना गहरा चिंतन है आचार्य, क्यों दिया उसका नाम सम्यक, क्यों दिया उसका नाम समल रख दी थी, सम्यक्त के साथ मोहिनी भी लगाया, सम्यक्त मोहिनी है।
सुनो सुनो, बड़ी मजेदार बात है। वो संयुक्त का घात नहीं करती। संयुक्त में दोष लगना अलग बात है। जैसे मान लो आप रस्ते में फिसल पड़े तो पैर में चोट आना अलग बात है और हड्डी टूट जाना अलग बात है। समझ में आया ना? तो संयुक्त में थोड़े से, वो भी केवली गम में, वो उसको पता नहीं चलता। अच्छा एक बात बताओ, किसी को सम्यक दर्शन हुए तो उसको ये पता चलता कि मुझे चाहिए, उस आगम से जान सकता है। वेदन में आता है, वेदन में आ सकता है। पंडित साहब से चर्चा हुई थी, आप लोगों से भी करूंगा, अभी थोड़ा अपन समय निकालेंगे। ग्यारहवीं से गिर के पहले में आ गया तो पता चल जाता कि मैं पहले में आ गया है। देखो एक मार्मिक बात है, दो तीन महीने से मेरे चिंतन में चल रही है, संयुक्त का या मिथ्यात का वेदन होते ही नहीं डायरेक्ट। संयुक्त का नहीं होता तो अष्टपावट में आया है। संयुक्त के साथ जो अतिथि आनंद होता है उसका वेदन होता है, और उससे जीव अनुमान करता है, उससे निर्णय करता है कि मुझे यथार्थ भाषण, यथार्थ रुचि, सम्यक दर्शन हुआ है। वो श्रद्धा गुण की पर्याय नहीं दिखती ज्ञान में। सुनना ध्यान से, जैसे रोग है तो मान लो आपको पेट में किडनी खराब है कि पथरी हो गई कि क्या बोलते हैं कैंसर है, शुगर है, रोग का कोई नहीं जानता और ना रोग का वेदन होता है। तो काय का होता है? रोग के कारण जो दर्द होता है उस दर्द का वेदन होता है। और जब दर्द नहीं होता है तो डॉक्टर पूछता है कैसा है, या तो ठीक है साहब दर्द नहीं है तो नहीं है, तो समझ लो रोग मिट गया। तो रोग का होना और नहीं होना ये सीधे वेदन में नहीं आते। समझ में आया नहीं? अभी एक उदाहरण केवल, और आम का बीज डाला और उसमें से वृक्ष आया और उसमें फल लगे तो हम भोग किसका करते, फल का के पूरे वृक्ष का? आनंद तो फल का ही लेते हैं ना। ये क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि मिथ्यात कषायों के माध्यम से दुख देता है। मिथ्यात जड़ है, है फल नहीं है। फल क्या है? कषाय। मिथ्यात के कारण कषायों का वृक्ष निकलता है और उसमें सुख दुख दोनों इंद्रिय सुख दुख के फल लगते हैं। तो जीव ऐसे आप मकान बना रहे तो नींव में नहीं रहोगे, नींव पे मकान बनेगा, लेकिन आप रहोगे काय में? नींव में, कि नींव के ऊपर फंडों से जाएगा उसमें रहोगे। ये चीजें भी सोचने की हैं। सम्यक्त मोनी के उदय से सहित है, परंतु इस सम्यक्त में प्रत्यक्ष परोक्ष कोई भेद नहीं है। छायक सम्यक्ति को स्वासव रूप प्रवर्तते हुए व स्वानुभव रूप प्रवर्तते हुए दोनों अवस्थाओं में सम्यक्त गुण तो समान ही है। यहां गुण का सम्यक्त रूप पर्णमन से है, इसलिए सम्यक्त के प्रत्यक्ष परोक्ष भेद नहीं मानना। यानी हम अपने घर में बैठे हों तब भी अपने घर को अपना कहते हैं, और जब बाहर घूमने जा रहे हों तो भी अपने ही घर को अपना मानते, तो उसमें कोई प्रत्यक्ष परोक्ष का भेद नहीं। अब देखना, उन्हें तो अनुभव में जो ज्ञान है वो कैसा है इसकी चर्चा करनी। अभी तो समय है ना अपने पास, है बोल देना भैया, अगर आकुलता हो तो 45 मिनट होने में 10 मिनट बाकी है। वहां प्रमाण के प्रत्यक्ष परोक्ष भेद हैं, वो प्रमाण सम्यक ज्ञान है। एक बात मालूम, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों में सम्यक शब्द है, तीनों का अर्थ एक ही है। फर्क है ना? हमें क्या है वो पूछूंगा नहीं, मैं बता ही देता हूं। श्रद्धा के साथ जो सम्यक लगा है विपरीत अभिप्राय का निराकरण करने के, विपरीत अभिप्राय रहित है ना, प्रयोजन भूत तत्वों के विपरीत अभिप्राय रहित पना बताने के लिए दर्शन के साथ सम्यक लगा है। और ज्ञान के साथ क्यों लगा है? संशय विपर्य और अनंत वसाय का निषेध करने के लिए ज्ञान के साथ लगाते। चारित्र के साथ क्यों लगाते?
अज्ञान पूर्वक क्रिया का निषेध करने के लिए चारित्र की सर्वा सिद्धि जो है ना तत्वासूत्र की टीका, उसमें सम्यक शब्द के ये तीन अर्थ अलग अलग बताए। तो सम्यक ज्ञान माने संशय विपर्य और अनद्य वसाय रहित। इसलिए मति शुद्ध ज्ञान तो परोक्ष प्रमाण है, अवधि माने परे केवल ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण। वहां आद्य परोक्षम प्रत्यक्षम अन्य ये सूत्र का वचन है, तथा तर्क शास्त्र में प्रत्यक्ष परोक्ष का ऐसा लक्षण कहा है। ये तर्क शास्त्र कोई अलग ग्रंथ है क्या है? न्याय ग्रंथों को भी तर्क शास्त्र कहके संबोधित करते हैं। स्पष्ट प्रतिभासात्मकम प्रत्यक्षम अस्पष्टम परोक्षम, वो एक परिचय में है, विशदम प्रत्यक्षम है, यानी जो ज्ञान अपने विषय को निर्मलता रूप स्पष्टतया भली भांति जाने वो प्रत्यक्ष है, और जो स्पष्ट भली भांति न जाने वो परोक्ष है। देखो एक ऐसा है, लोक में प्रत्यक्ष परोक्ष अलग होता है, जिसको नीचे बात बताएंगे। हमें अभी आप सब दिख रहे हैं, आपको हम दिख रहे हैं, या आवाज सुनाई पड़ गई है, तो वो स्पष्ट है या अस्पष्ट है? लोक व्यवहार की भाषा में तो साफ साफ सुनाई पड़ रहा है साहब, कोई दिक्कत नहीं है, माइक भी लगा है, आवाज अच्छी आ रही है, गूंज भी नहीं रही है, शब्द शब्द समझ में आ रहे हैं, तो क्या बोलेंगे? स्पष्ट है। लेकिन सिद्धांत में क्या बोलेंगे? वो ज्ञान ने डायरेक्ट नहीं जाना, एक मीडिया आ गया बीच में, मध्यम समझ, दलाल कौन? इंद्रिय। तो इंद्रियों के निमित्त से जाना, और अंदर के भी निमित्त बहुत हैं, ज्ञानावरण का क्षयोपशम, वीर्यांतराय का क्षयोपशम। इसलिए सिद्धांत में परोक्ष है और व्यवहार में प्रत्यक्ष, जैसा आएगा देखो। वहां मति ज्ञान श्रुति ज्ञान का विषय तो बहुत है, परंतु वे एक भी ज्ञेय को संपूर्ण नहीं जान सकते। हम कह रहे हैं ये कपड़ा हमें जानने में आ रहा है, तो ये आंशिक रूप से ही जानने में आ रहा है, कलर दिख रहा है, इसमें गंध कौन सी है ख्याल में आया ना, और भी जो इसके अन्य गुण है वो कहां जानने में आ रहे। एक भी ज्ञेय को संपूर्ण नहीं जान सकते, इसलिए उन्हें परोक्ष कहा है। और अवधि मनपर ज्ञान का विषय अल्प है, तथापि वे अपने विषय को स्पष्ट भली भांति जानते हैं। अवधि ज्ञान में जितना भी उसकी मर्यादा है, उसमें बिना इंद्रिय और मन के सीधे जानने में आता है, इसलिए उन्हें एक देश प्रत्यक्ष कहा है। अवधि ज्ञान मन पर्य दो है, देश प्रत्यक्ष द्रव्य क्षेत्र परिमाण लिए जाने जी स्वच्छ। फिर वो आ गया सकल द्रव्य। केवल ज्ञानी सर्व ज्ञों को आप स्पष्ट जानते हैं। आप क्यों लिखा? आपके लिए लिखा, आप हे केवली प्रभु आप स्पष्ट जानते हो, ऐसा सेकंड पर्सन है यहां। आप माने स्वयं अपनी ज्ञान की सामर्थ्य से इंद्री मन प्रकाश पदार्थ इत्यादि के आलंबन बिना, इतना अर्थ है आपका है? इसलिए वो सर्व प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष के लिए ये सब शास्त्रीय चर्चा है, इसमें ज्यादा विश्लेषण करने की उतनी गुंजाइश भी नहीं है, जरूरत भी नहीं है, ये तो ज्ञान प्रधान समझ लो मैटर है। प्रत्यक्ष के दो भेद हैं, एक पारमार्थिक प्रत्यक्ष, दूसरा सांभाविक प्रत्यक्ष। अवधि मनप्र ज्ञान और केवल ज्ञान तो स्पष्ट प्रतिभास रूप हैं। देखो जानने को प्रतिभास होना भी कहते हैं। कई लोग ऐसे हैं कि केवल ज्ञान जानता तो नहीं है लोका लोक को, ये लोका लोक उसमें प्रतिभासित होते। अरे भले आदमी जानने और प्रतिभास में अंतर क्या है? भा धातु, धातु जो है ना प्रकाश के अर्थ में, इसलिए सूर्य का एक नाम भास्कर, दैनिक भास्कर निकलता है, क्यों निकलता है? भास्कर नाम क्यों रखा? यानी जैसे सुबह सूर्य निकलता है और हमें दुनिया दिखने लगती है, ऐसे आप ये हमारा अखबार पढ़ेंगे तो
तो आपको खबरों की दुनिया दिखने लगेगी। भास्कर, प्रभा, आभा, ये सब प्रकाशवाची। तो देखो स्पष्ट प्रतिभास रूप हैं, इसलिए वे पारमार्थिक प्रत्यक्ष हैं और नेत्र आदि से वर्ण आदि को जानते हैं। वहां व्यवहार से ऐसा कहते हैं कि इनसे वर्ण आदि प्रत्यक्ष जाने। लोग गवार होता ना, गवार प्रत्यक्ष चश्मदीद गवार, जिसने आंखों से देखा। अब वो बीरबल से पूछा अकबर ने, सच और झूठ में कितना अंतर है? सुना ये कभी नहीं सुना? उसने सच और झूठ में कितना अंतर है? उनका चार अंगुल था। तो कैसे उनकी उंगलियां बहुत मोटी मोटी बड़ी बड़ी होंगी, तो आंख और कान के बीच में चार अंगुल, अपने तो छह आठ हो जाते होंगे, हैं? क्यों भाई, कैसे आंख से जो देखा है वो सत्य होता है, कानों से जो सुना है वो झूठ होता है। मेरी समझ में नहीं आता, बीरबल जैसा समझदार आदमी इतना झूठ कैसे बोल सकता है? कोई जरूरी है आंख से जो देखे वो सच होता है? पक्की बात, ट्रेन में बैठो तो कौन भागता हुआ दिखता है? अपन के पेड़ पौधे तो आंख से दिख रहा है वो सच है, है? प्लेन ऊपर दिखता कैसा दिखता है? चिड़िया जैसा, तो सच है। और कान से अगर सत्य भी सुना जाए तो क्या झूठ हो जाए? कैसे अकबर और कैसे बीरबल, है? जरूर ये बीरबल के नाम पर किसी ने ठोका होगा। बीरबल इतने चतुर आदमी, वो ऐसा झूठ तो नहीं बोल सकते। देखो समझ में आया कि नहीं, क्या जबलपुर है? तो देखो इन वर्णादि प्रत्यक्ष जाने, इनसे एक देश निर्मलता भी पाई जाती, निर्मलता भी बोली, इसलिए इनको साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं। परंतु यदि एक वस्तु में अनेक मिश्रित वर्ण हैं, कोई कोई कलर ऐसे होते हैं बहुत सारे एक साथ मिक्स करके बना देते तो दिखते ही नहीं है, वे नेत्र द्वारा भली भांति नहीं ग्रहण किए जाते, इसलिए इनको पारमार्थिक प्रत्यक्ष नहीं कहा जाता। तो कितने प्रकार के अभी प्रत्यक्ष परोक्ष की चर्चा अपन कल करेंगे। अभी किसकी चर्चा हुई? सम्यक दर्शन में प्रत्यक्ष परोक्ष का भेद नहीं है, और मति शुद्ध ज्ञान में किस तरह से प्रत्यक्ष पना है, परोक्ष पना है, अवधि ज्ञान वगैरह का ये विषय आया। बाकी स्वानुभव दशा में जो प्रत्यक्ष परोक्ष है उसकी चर्चा अपन कल करेंगे, जितना होगा होगा। बाकी पूरा तो पहले से ही सुरक्षित है, अभी यही नाम है। Amen.